नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कुछ दिन पहले ही 83 का फर्स्ट रिव्यू आउट हुआ था। टीवी होस्ट और कबीर खान की पत्नी मिनी माथुर ने इंस्टा स्टोरी में फिल्म रिव्यूज के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। इन रिव्यूज में फिल्म की काफी तारीफ की गई थी। कुछ लोगों ने तो इसे मास्टरपीस भी बताया था। 1983 ही वो साल था जब भारत ने क्रिकेट के मैदान पर पहली बार वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था। इस ऐतिहासिक लम्हे पर फिल्म 83 बनाई गई है, जिसे देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से मेकर्स इसकी तारीख टालते गए। हालांकि अब फिल्म देखने के लिए बस कुछ दिन का इंतजार करना है। फिल्म 83 24 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी, लेकिन उससे पहले फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर होगा। जी हां, आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही 83 का फर्स्ट रिव्यू आउट हुआ था। 83 में रणवीर सिंह कपिल देव का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में वो हूबहू कपिल देव की तरह नजर आ रहे हैं। इसके लिए उनके मेकअप आर्टिस्ट की जितनी तारीफ की जाए कम है। वहीं दीपिका पादुकोण फिल्म में कपिल देव की पत्नी रूमी भाटिया के रोल में नजर आएंगी। दीपिका का लुक भी कपिल देव की वाइफ से मिलता जुलता है। शादी के बाद पहली बार रणवीर और दीपिका पर्दे पर किसी फिल्म में साथ दिखाई देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।